Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 9th of Auto System Technology, and in this session we are going to cover these stub axles concepts, their types and the constructions of that stub axles. Okay. So note down this figure here. It is a figure of a typical front wheel axle. तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे मेन बीम थोड़ा सा एक स्लैंट एरिया देते हैं आपको, डाउनवर्ड एरिया, ताकि आपका जो चेचिस है व्हीकल का वो एज लो एज मिनिमम नीचे से नीचे आपको फिट करना आसान हो. ओके, तो इसी पर जो होता है ये मेंबर जो होता है आपका मेन बीम, ये होता है रोबस्ट कंस्ट्रक्शन. और दूसरी बात, हमने ये भी देखा था कि इसका आई सेक्शन में कंस्ट्रक्शन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग लोड लेने के लिए. एक बार और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आप जो ये मेन बीम है ये आपके व्हीकल के साथ रोटेट करना फिजिबल नहीं है. ओके, तो ये कॉम्प्लिकेट चीज़ हो जाएंगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टब एक्सल हम इसे अटैच करा देते हैं. तो यहाँ पे ये सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये है स्टब एक्सल. तो क्या होगा, आपके व्हील्स जो होंगे ये स्टब एक्सल पे फिट होंगे. तो आपका मेन बीम स्टब एक्सल के साथ अटैच होगा और आपके जो व्हील्स होंगे फ्रंट व्हील्स वो इस स्टब एक्सल के ऊपर अटैच किए गए होंगे. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक किन पिन होता है जो कि आपके स्टब एक्सल को अटैच करते हैं आपके मेन बीम से. उसी के साथ साथ इस दोनों को फिक्स करने के लिए एक क्वार्टर पिन भी वहाँ पर होती है. क्वार्टर पिन के बारे में आप जानते हैं. तो हम देखते हैं कि स्टब एक्सल जो है कनेक्टेड होता है कि फ्रंट एक्सल बाय किंग प्लेन्स. द फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड ऑन स्टब एक्सल्स अरेंजमेंट फॉर स्टीयरिंग्स. तो यहाँ पे जो आप स्टीयरिंग आर्म का एंड देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका व्हीकल को लेफ्ट और राइट टर्न करने के लिए आपकी अरेंजमेंट की गई होती है. द स्टब एक्सल्स टर्न ऑन किंग प्लेन्स. ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो आपका स्टब एक्सल है ये किंग प्लेन के टू एंड फ्रो मूव करता है. The kingpin is fitted on the front axle beam I and it is located at locked there by the taper quarter pin. तो यहाँ पे जो quarter pin से ये दोनों को एक साथ अटैच किया जाता है. यहाँ पे हमने previous lecture में देखा था कि इसके चार types होते हैं, Elliott, reverse Elliott, Lemoine and reverse Lemoine. देखते हैं अगले slides में कि ये क्या क्या होते हैं, इसका construction किस तरह से होता है. और एक बात यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे इसका स्टब एक्सल का मटेरियल कौन सा होता है. तो ये होता है 3% निकल स्टील एंड अलॉय स्टील कंटेनिंग क्रोमियम एंड मेलोबडियम. इट इज़ मेड बाय फोर्जिंग प्रोसेस. फोर्जिंग प्रोसेस क्या है आपको पता है. और एक बात यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि प्रीवियस सेक्शन में हमने जो मेन बीम का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका कौन सा कंपोजिशन होता है वो हमने देखा था, उसका परसेंटेज आपको मेंशन करना है. प्लीज नोट डाउन दिस फिगर. यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ स्टब एक्सल दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे ए जो है वो है इलिवाइट, बी जो है डोमिनेट करता है रिवर्स इलिवाइट को, और तीसरा जो है सी टाइप वो है लेमोइन, और चौथा जो है वो है रिवर्स लेमोइन. तो पहले फिगर में देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रंट एक्सल का कट सेक्शन दिया है, पूरा सब कुछ यहाँ पे इल्यूजन नहीं किया है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक यू शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रंट एक्सल का, और उसके अंदर आपका जो है स्टब एक्सल फिट किया गया है. तो ये दोनों को मूवमेंट करने के लिए वॉशर की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेयरिंग्स की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे होता है एक थ्रस्ट वॉशर और बेयरिंग्स, दोनों को अटैच किया जाता है किंग पिन से, और किंग पिन से ये बाहर ना निकले इसलिए इसे क्वार्टर जॉइंट से फिक्स किया जाता है. तो ये हुआ आपका इलिवाइट टाइप ऑफ स्टब एक्सल. रिवर्स इलिवाइट इसके बिल्कुल अपोजिट होता है. आप फिगर बी में देखिए कि यहाँ पे जो आपका फ्रंट एक्सल है वो अंदर फिट किया गया है, और स्टब एक्सल जो है वो उसके आउटर साइड में यू शेप में फिट किया गया है. प्रीवियस केस में क्या हुआ था, फ्रंट एक्सल बाहर से फिट किया गया था और स्टब एक्सल अंदर था. सेकंड केस में आपका फ्रंट एक्सल बाहर है और स्टब एक्सल बाहर फिट किया गया है. सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो फ्रंट एक्सल है वो अंदर फिक्स किया गया है और उसके ऊपर स्टब एक्सल फिट किया गया है यू शेप में. ऑब्वियसली इस दोनों को अटैच करने के लिए भी एक थ्रस्ट वॉशर, बियरिंग्स, किंग पिन और क्वार्टर जॉइंट का यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है आपका तीसरे टाइप्स का जो होता है लेमोइन. तो ये एक एल शेप का आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है. तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे फ्रंट एक्सल के बॉटम साइड में स्टब एक्सल को फिट किया गया है.
फ्रंट एक्सल के बॉटम साइड में दोनों को अटैच किया है, बीच में एक थ्रस्ट वॉशर के साथ उसको फिक्सिटी किया गया है किंग पिन और क्वार्टर जॉइंट के साथ। तो ये हो गया आपका लेमोइड टाइप ऑफ स्टब एक्सल। उसी के अपोजिट है रिवर्स लेमोइड, ये इसके फ्रंट एक्सल के अप साइड में फिक्स किया गया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एल शेप। ओके, तो ये रहे चार टाइप्स और इसके कंस्ट्रक्शन। आपको एग्जाम में इसे ड्रॉ करने को कहा जा सकता है, या हो सकता है इसके टाइप्स और उसके फिगर को ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन भी देना को आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो ये रहे स्टब एक्सल के सब टाइप्स। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्टब एक्सल क्या होता है, स्टब एक्सल के सब टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टीयरिंग जियोमेट्री क्या होती है और इसके कौन से एंगल किस किस वैल्यू के आपको फिक्स करना होती है एक्यूरेट आपकी स्टीयरिंग व्हील को स्टीयर करने के लिए। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।